पर हर एक की यही कहानी है, मेहनत है, सीधी सी बात है। आज आप लोग मेहनत करो, देखना कल कैसे कितना आगे जाओगे आप लोग। आप लोग भी इनमें से एक बनोगे। कल को आपकी स्टोरी मैं यहाँ पे चलाया करूंगा। ये देखो, ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता था, इसने 10,000 करोड़ कमा ली, इसने 5,000, आपकी यहाँ पे वीडियो चलाया करूंगा मैं। गवर्नमेंट जॉब कितने टाइम में छोड़ देनी है, हैं? 2 साल का था, 3 कहाँ पे आ गए? 2 या 3 साल में गवर्नमेंट जॉब छोड़ देनी है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट जॉब लगते ही सेकंड प्लान स्टार्ट कर देना अपना, सेकंड प्लान भी मुझे फाइनली करना गया जिंदगी में। गवर्नमेंट जॉब से मैं आपको साफ कह रहा हूं, बीच बीच में ना अगर कोई बोला ना, मैं छुट्टी करूंगा, मैं साफ कह रहा हूं। आज भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल चुप, कोई जना बीच में आगे से बोल नहीं सकता। मैंने कुछ बोला कहा, बीच बीच में मस्ती करोगे भी, मैं बोलूं साथ में, हंसाऊं साथ वालों को, मैं छुट्टी करूंगा। वैसे बहुत भीड़ भीड़ बैठे, मैं खुले बिठाना चाहता हूं अपने बच्चों को, तो 8-10 जने बाहर करूंगा मैं, तुम दोनों को ध्यान रखना। चलोगे तो अब आज मैं कोई कॉमन चैप्टर जो दोनों बैचों में नहीं हुआ, आज मेरी क्लास 2 घंटे लगातार है, ऑनलाइन वाले सुन लो कान खोल के। तो जो चैप्टर दोनों का नहीं हुआ हुआ, कैलेंडर चैप्टर मेरे ख्याल से जून बैच में Day 1 करवाया हुआ है। देखो अगर आप चाहते हो कि कैलेंडर दोबारा करवा दूं तो भी ठीक है, नहीं तो मेरे पास 2 चैप्टर और हैं, साइलोजी में और काउंटिंग ऑफ फिगर है, जिसके ऊपर वोटिंग ज्यादा होगी वो वाला चैप्टर कराऊंगा। 3 चैप्टर है मेरे पास, कैलेंडर, साइलोजियम और काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्रायंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, 20 फिगर के अंदर टोटल ट्रायंगल कितने हैं, है ना, तीनों में वोटिंग करते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा वोटिंग होगी वो चैप्टर कराऊंगा। कैलेंडर, साइलोजियम, काउंटिंग ऑफ फिगर। चलो आपने जाना चाहिए, कैलेंडर ही करेंगे, कैलेंडर के लिए वोटिंग ज्यादा होगी। कैलेंडर तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं कैलेंडर, जिन लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि आज मैं Day 1 और आप लोगों ने वैसे Day 1 का किया होगा, लेकिन मैं Day 2 भी करवा दूंगा आज, क्योंकि 2 घंटे है मेरे पास। Day 1 और Day 2 कोशिश करेंगे जितना कंप्लीट हो सके उतना कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भागा दौड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से। जहां आप कहोगे सर अटक गए, जहां आप कहोगे अटक गए, मैं उसके 10 एग्जाम्पल बता दूंगा, अटकना नहीं है। और मैं बीच बीच में सुनूंगा, ध्यान रखना, मैं बीच बीच में किसी से भी आगे पूछ सकता हूं भी ये सवाल कैसे होगा। चलो तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या आता है, मोटिवेशन लाइन। लो भाई, लगातार हो रही है सफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हम ना, मैं आपका टेस्ट लूं, आप 1 टेस्ट में फेल हो गए, आपके नंबर कम आ गए, दूसरे टेस्ट में फेल हो गए, नंबर कम आ रहे हैं, मैंने 3री बार टेस्ट लिया फिर नंबर कम आ रहे हैं, हारना हार नहीं माननी, मैं पहले कह रहा हूं। कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी, मान लो अभी यहां पे फेल होते रहे, अचानक बाहर पेपर देने के लिए गए, गवर्नमेंट एग्जाम का वो क्लियर हो गया, है ना, हार नहीं माननी, मैं आपको साफ कह रहा हूं। चाहे जितनी मर्जी बार आप यहां पे मैं टेस्ट लूंगा, आप फेल हो जाओ, हिम्मत रखो भी अगली बार मैं और इंप्रूवमेंट करूंगा, इससे भी ज्यादा नंबर लूंगा। इससे पहले मैं कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं एक वर्ड डिस्कस करता हूं, लीप ईयर। क्या वर्ड है लीप ईयर? कौन सा होता है, कौन सा ईयर चल रहा है अभी? 2000? क्या ये लीप ईयर है? कैसे पता लगता है लीप ईयर से? लीप ईयर होता क्या पहले तो बताओ। अरे जिस ईयर में 366 दिन होते हैं, ऑनलाइन वालों को ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, जल्दी से ओके करो फटाफट, जिसमें 366 दिन होते हैं वो ईयर क्या कहलाता है, और जिसमें 365 होता है वो नॉर्मल ईयर हो गया, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो देखते हैं, आज थोड़ा टाइम ज्यादा, आज बातें गप्पे बहुत मारेंगे, है ना, मैं आप लोगों में से ढूंढूंगा कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट कौन कौन है, है ना। लो अच्छे स्टूडेंट ढूंढते हैं अभी, खड़े हो भाई, सिर नीचे करके बैठे हो भी, मेरे से ना सुन ले कुछ, खड़े यार। ये 365 दिन ही क्यों साल में रखे, 400 रख लेते मजा आता, 100 रख लेते मजा आ जाता ना, 100 दिन, ये 365 दिन का क्या फंड है, बिचाली बीच वाली रकम सी रख ली, कोई नहीं बोलेगा। ये 365 दिन कौन से बंदे ने आविष्कार किए थे भी, 365 दिन रख लो, जैसे जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, 365 दिन का आविष्कार किसने किया था, 365 ही क्यों? हाँ बच गया भाई, मैंने तो सोचा कईयों को नॉलेज, पढ़े भाई, 365 क्यों? हाँ चलो वेरी गुड यार, कई बार ना बच्चों को यही नहीं पता था, क्योंकि पृथ्वी जो है
सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वो 300, एक्चुअल में 365 दिन होते, 365 दिन लगभग 6 घंटे, 6 घंटे भी पूरे नहीं होते, हाँ 5 घंटे समथिंग। हमारी पृथ्वी जो है ये सूरज के चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है, एक राउंड लगाती है, मान लो यहां से स्टार्ट हुई, 365 दिन 6 घंटे मान लो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट है, वैसे हम क्या करते हैं 365 दिन गिन लेते हैं, 6 घंटे बच जाते हैं, अगली बार फिर 365 दिन 6 घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे फिर बच गए, ऐसे 4 सालों में ये 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बन जाते हैं, जिसको हम एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं, इसलिए 366वां दिन आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये 6 घंटे एग्जैक्ट नहीं होते, इसका आगे जाके एक फंडा बताऊंगा बहुत जबरदस्त, चैप्टर पूरा डेप्थ में रटवा दूंगा, कैलेंडर से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए सही मैं कहता हूँ खा जाओगे आप लोग, है ना। चलो तो कौन सा ईयर लीप ईयर होता है, तो इन्होंने निशानी रख ली भी जिस ईयर में 4 का पूरा भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा, और 4 का पूरी संख्या में भाग देंगे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे लो, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा भाग जा रहा है वो ईयर क्या कहलाएगा, 2022 लीप ईयर है, क्या इसमें 4 का भाग जाता है, 4 5 20 नहीं जा रहा भाई, रिमाइंडर बच रहा है। चलो 2020 जो निकला था, 2020 2 साल पहले निकला था, ये लीप ईयर था, हाँ क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा भाग जाता है, है ना, 20 में 4 5 20 पूरा, जिस ईयर में 4 का पूरा भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा। अच्छा मुझे बताओ 1950 लीप ईयर था, सभी को पता लग गया 50 में 4 का भाग देंगे पूरा जाएगा, नहीं 48 तक पूरा जाता है, 2 बज जाते हैं, जिसमें 4 का पूरा भाग जाएगा वो ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर, वो ईयर क्या कहलाएगा, समझ गए। अच्छा अब मैं ये कहूं, चलो बताओ मुझे 2092 आएगा जो, वो सवाल तो सुन लो, वो कितने जने देख पाएंगे हाथ खड़े करना, 2092 कौन कौन देख पाएगा है, पढ़ लो मर लो पहले, ध्यान रखना 2092 वही देख पाएगा जो पढ़ेगा, कैसे, कारण मैं आपको कारण बताता हूं। देखो अब नई नई चीजें इन्वेंट हो रही हैं, अब एक दो थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी, एक सेल अपने सेल होते हैं जिनके वजह से हम जिंदा हैं, ये सेल जब बनने बंद हो जाते हैं, जो बने हुए हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम मर जाते हैं, है ना। तो एक कौन से पे पता नहीं, बंदर पे पता नहीं चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे किया था मेरे ख्याल से अमेरिका ने किया था, नहीं उसके सेल ही चेंज कर दिए, वो बूढ़े से जवान हो गया ना। तो ऐसी चीजें इन्वेंट हो रही है भी इंसान धीरे धीरे मरने बंद हो जाएंगे, वो चीजें वो सेल किसके ढलेंगे, ध्यान रखना जो जिसके पास पैसा होगा है, दो जनों ने हाथ खड़े किए घर पे ही पढ़ देना, जो जो पढ़ेगा वो 2092 2100 2200 वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, जो जो पढ़ेगा मैं पहले कह रहा हूं, तो ठीक है ना। तो अगर आपने ये है कि मैंने मरना ही नहीं है मैं बस जिंदा ही रहूं हमेशा के लिए, तो बेवकूफों पढ़ लो। चलो तो अब मैं आपको कहूं भी 2022 तक, अच्छा ये बताओ कौन सी सेंचुरी चल रही है, कौन सी शताब्दी चल रही है इस टाइम, 21वीं शताब्दी चल रही है, कौन सी शताब्दी चल रही है, क्या होता है ये सेंचुरी शताब्दी क्या होता है। देखो मान लो मैं आज 18 साल का हुआ हूं, 18 साल मेरे पूरे हो गए जिंदगी के, तो मैं बोलता हूं 19वां लग गया मेरे को साल, है ना, 18 पूरे हो गए 19वां लग गया, ऐसे ही ध्यान रखना 20 सेंचुरियां पूरी हो चुकी हैं। देखो 2022 है, जब 2000 साल हुआ था ना, जब 2000 आया था इसमें 20 बार सेंचुरियां, 100 साल 20 बार पूरी हो चुके हैं, अब जो चल रहा है ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं और बस 21वीं शताब्दी के रहेंगे, 22वीं शताब्दी तक नहीं जा पाएंगे, मर जाएंगे, हम कौन सी सेंचुरी के लोग हैं, 21वीं सेंचुरी के लोग हैं। देखो 2000 ये 20 लिखा ना, 20 सेंचुरियां पूरी हो चुकी है, ये 21वीं सेंचुरी है, एक सेंचुरी, सेंचुरी 100 सालों के ग्रुप को बोलते हैं, सेंचुरी 100 साल के ग्रुप को बोलते हैं। 21वीं सेंचुरी का पहला जो साल था वो 2001 था, ये नोट कर लो, 21वीं सेंचुरी का पहला जो साल था वो क्या था, 2001 2001 पहला साल था 21वीं सेंचुरी का, समझ गए। ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी बनाना, शतक बनाना, 100 सालों के ग्रुप को सेंचुरी बोलते हैं, 21वीं शताब्दी चल रही है, हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, 22वीं शताब्दी के लोग और खतरनाक होंगे, देखना एलियन जैसे होंगे। चलो तो भाई अगर मैं आपको पूछूं भी इस सेंचुरी के कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, मैंने क्या सवाल पूछा है, इस सेंचुरी के बताओ कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, तो आप कहोगे सर पहला लीप ईयर निकल चुका है इस सेंचुरी का 2004, दूसरा निकल चुका है 2008, तीसरा निकल चुका है 2012,
2000 और 2000, मैं कहूंगा इस सेंचुरी के कितनी लीप ईयर निकल चुकी है, आप कहोगे 5, कितने निकल चुके हैं 5। लेकिन आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है एक एक, आप क्या करो जब भी मैं ये पूछूंगा कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, फलाने ईयर तक कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने पूछा 2022 तक कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, आपने क्या करना है इसके लास्ट के टू डिजिट में 4 का भाग देना, 4-4 साल वाला लीप ईयर आता है ना, और यहां पे जो रकम आएगी वो मेरा आंसर है, 5 लीप ईयर निकल चुके हैं। ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रकमें कई बार बहुत बहुत बड़ी बड़ी दे दूंगा, ध्यान रखना। बताओ 1947 तक इस सेंचुरी के कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, तो आपको क्या करना है लास्ट के टू डिजिट यानी 47 में 4 का पूरा पूरा भाग देना है, 4 का भाग देना है, 4 × 4 = 7 आ गया, 4 × 4 है ना, यहां पे जो रकम आएगी वो अपना आंसर है, 11 लीप ईयर निकल चुके हैं, कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, मैं आपको कोई भी ईयर दूंगा, मैं कहूंगा अब तक कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, उसके लास्ट टू डिजिट में 4 का भाग दे दो, उसके लास्ट टू डिजिट में 4, आपके पास काउंटिंग आ जाएगी भी कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, आपके पास काउंटिंग आ जाएगी कि कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, क्लियर है। पूछो बताओ 1950 तक उस सेंचुरी के कितने लीप ईयर निकल चुके होंगे, जिन लोगों को देखो कई लोग मूजबानी बोल रहे हैं, जिनको मूजबानी नहीं पता लग रहा लिख के कर लो, 50 में 4 का भाग दो, 1950 बोले 50 में 4 का भाग दे दो, कितने जनों को समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता लगा। देखो इस चैप्टर का आज डे वन का सबसे डिफिकल्ट काम ही मैंने अब बताया, सबसे डिफिकल्ट टास्क ही मैंने अब बता दिया आपको, किसको नहीं समझ आया 1950 तक कितने लीप ईयर निकल चुके होंगे, क्या करोगे 50 में 4 का भाग दोगे यहां पे 12 आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर है, सबसे डिफिकल्ट स्टेप जो है मैंने सबसे पहले बता दिया। चलो यहां तक ओके, मैं कुछ भी बोल दूंगा, कोई मर्जी ईयर बोल दूंगा, मैं कहूंगा इस ईयर तक बताओ कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, आपने फटाफट लास्ट के टू डिजिट में 4 का भाग देना है और पता लग जाएगा कितने लीप ईयर निकल चुके हैं। बताओ मैं आपको कहूंगा 2090 तक, कई लोग बड़े होशियार है यार, मैं साफ कह रहा हूं जो ऐसे मूजबानी 22 बोल रहे हैं बस ऐसे समझ लो सब इंस्पेक्टर लग गए, वो तो बस ऐसे कंधे पे स्टार है साहब, क्या ध्यान रखना, और कई लोग ऐसे 90 तक लिख के देखेंगे फलाना, बस वो तुम रहने दो, तुम तो भाई तुमको क्या बनेंगे चपड़ासी कह रहे हैं भैया आपको, ध्यान रखना पढ़ लो तुम लोग, और सच्चाई है ध्यान रखना इसकी बातों में, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो तुम लोग, तो कौन कौन पीएन बनेगा, सब इंस्पेक्टर थकले देखिए, मैथ रीनिंग के सवाल देना पिछली बार कितने अच्छे अच्छे आए थे, पढ़ना पड़ेगा, सोच तो लिया कितना का टाइम पढ़ना है यार, कितनी की नींदें खराब करनी है, वैसे ये 3 महीने की, 3 महीने की नींदें खराब करनी है, 3 महीने दोस्ती छोड़नी है, रिश्तेदारी छोड़नी है, 3 महीने सेक्रीफाई करो, रिश्तेदारों के यहां जाना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दो, और किसी को मत बताओ, रिश्तेदारों को खास करके कि आप तैयारी कर रहे हो बताना ही नहीं है, जब बन गए तब उनको सरप्राइज देंगे, इसके अंदर ना शॉर्टकट लगाने के लिए कुछ कोड होते हैं, मैं फटाफट कोड लिखता हूं, तो टोटल 12 मंथ, और बातें नहीं भाई आज बातें नहीं करनी भाई, क्योंकि आज मुझे कंप्लेंट आ गई ना भी, सर आपने दोनों बैच कंबाइंड करके काम खराब कर दिया, हमको तो सुना नहीं पलाना, ऐसी किसी की कंप्लेंट आ गई ना मैं ध्यान रखना, कोई जो ना बोल पड़ा मैं छुट्टी करूंगा, ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए मेरे पास, आज मजबूरी में क्लास इकट्ठी करनी पड़ गई, ठीक है ना, कोई लास्ट में बोल गया मुझे, दो जने बोलते मिल गए ना, ध्यान रखना आज बोलना नहीं है। हर एक मंथ का एक कोड होता है, जनवरी फरवरी, ये मंथ के नाम किसको नहीं याद भी, फरवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च अप्रैल, हाथ खड़े करना, मंथ के नाम सभी को पता है, अप्रैल के बाद क्या आता है सभी को पता है, फिर तो तुम भी यार लगोगे कॉन्स्टेबल तो लग ही जाओगे, हर एक मंथ का एक कोड होता है, हर एक मंथ का, जनवरी का कोड A144025031 40, जून बैच को करवाया हुआ, ये तो करवाया होगा, करवाया था ना, चलो अब जुलाई बैच वालों के लिए, जून के लिए नहीं ऑफर, जुलाई बैच वालों के लिए ऑफर है, जल्दी से ये कोड याद करो, जो मुझे, मैं तीन कोड सुनूंगा, मैं कहूंगा जून का कोड क्या है, आपने बोल दिया 5,
अक्टूबर का क्या है, मई का क्या है, तीन कोड सुनूंगा, अगर मुझे सात क्या सुना दिए, ये राइटोमीटर वाला पेन 10,000 मीटर चलता है, ये पेन गिफ्ट मिलेगा, ध्यान रखना। यानी अगस्त महीने का आपका पेन का खर्चा बचत हो जाएगी, ध्यान रखना। इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं, तीन तीन के ग्रुप बना लो, तीन तीन के ग्रुप बना लो फटाफट, तीन तीन के ग्रुप। ये 12 की स्केयर है, 12 की स्केयर 144, ये 5 की स्केयर है 0.25, 6 की स्केयर है, ये रट्टा लगाना पड़ेगा, 12 की स्केयर प्लस 2, 12 की स्केयर प्लस 2 है ये। एक मिनट का टाइम है, मैं तीन किस्त सुनूंगा, जून बैच वालों के लिए ऑफर नहीं है, ये ऑफर सिर्फ जुलाई के लिए, उनको तो बेचारों को याद है पहले से। ये पेन मिलेंगे, देखो एक एक पेन मिलेगा, 10,000 मीटर चलता है ये पूरा, ना चलेगा तो दूसरा पेन वापस गिफ्ट दे देंगे। जल्दी से तीन रट्टा लगाओ, बस मंथ के नंबर जिसको याद है, भी जून जो है छठा महीना है, अगस्त आठवां है, नंबर याद हो गए फिर ये याद करना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भी फटाफट याद करो, जल्दी से याद करो। कौन से मंथ का क्या कोड है, फटाफट याद करो। जून वालों को याद है, जून वालों को बीच में मौका दूंगा, लेकिन उनको उनके क्वेश्चन 5 होंगे और टाइम सिर्फ 1 सेकंड, बस मैंने बोला आपका आंसर, मैंने बोला आपका आंसर आएगा तो आपको भी पेन मिलेगा। जून बैच वालों से 5 क्वेश्चन सुनूंगा, जून बैच वाले ट्राई कर सकते हैं, हाथ खड़े करो, 2 पेन जून वालों को मिलेंगे, 2 गिफ्ट जून वालों के लिए रिजर्व कर दिए, जुलाई वालों के लिए 8 गिफ्ट है। जून में देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है जो 2 जने गिफ्ट ले जा सकते हैं, उनसे 5 क्वेश्चन सुनूंगा। हाँ जी, जून बैच वाला कोई पंगे लेना चाहता है, हाथ खड़े करो, 2 ही गिफ्ट है भाई, कोई और ले जाएगा? जून बैच वाले हाथ खड़े करो, जो कैंडिडेट क्लास ऑनलाइन लगा रहे हैं फटाफट याद करो, क्लास रेगुलर लगाते रहना है, बीच में छोड़ के गए ना तो दिखसाब लगा लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना? अगर रेगुलरिटी रखोगे तो फायदे में रहोगे, डेली क्लास लाइव लगाया करो। हाँ जी, कौन सुनाएगा? वेरी गुड, कौन सा बैच है? जुलाई बैच है, चलो जुलाई बैच है, ये जून वाले निकम्मे हैं, ये बेवकूफ सीख लो इससे, जुलाई वाला याद कर गया पहले आपसे। तुम लोगों को यहाँ पे बाहर भेजेंगे, रात साथ में बात बाहर रखूंगा, टीचर के हाथ में डंडा, तुम्हारे दो दो डंडे ठोक ठोक के फिर भेजेंगे आपको क्लास में वापस। हाँ जी, तीन क्वेश्चन है, तीनों सही, पेन आपका, ठीक है ना? दो दो सेकंड में जवाब देना है, एक या 2 सेकंड में। पहला क्वेश्चन, अगस्त का कोड, बैठो, एक गलती कहानी खत्म, एक गलती कहानी कदम, पहली बोल पे आउट हो गया बंदा, और कौन था आगे सुन ना खड़े हो, वन आऊंगा तुम्हारे पास भी आऊंगा, टेंशन ना लो, बातें नहीं, मैं इसे क्वेश्चन सुनूंगा, आप सोचा करो मेरे से सुना जा रहा है, और ट्राई करो। चलो पहला क्वेश्चन, जून, बैठो, 3 के सके, हाँ जी, बातें नहीं, बातें नहीं, कौन सा बैच है? जून है, 5 क्वेश्चन है, 1-1 सेकंड है, उनको 2 सेकंड मिलेंगे, आपको 1 सेकंड है, 1 सेकंड, बस मैंने बोला आपने आंसर दे देना। तो जून बैच का पहला कैंडिडेट पंगे ले रहा है, तो किनको लगता है भाई ये विनर होगा, हाथ खड़े करो, चलो देखते हैं। जून बैच वाले तो कम से कम वोटिंग करते हैं इनके लिए, बेचारे के लिए प्रेशर बना दिया मैंने पूरा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, सितंबर, बैठो,
थ्री सिक्स है, खड़े चलो के बातें नहीं, बातें नहीं, इधर देखना है। तीन क्वेश्चन है, दो सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इससे ज्यादा टाइम लिए आउट हो जाओगे। पहला क्वेश्चन, मई टू अक्टूबर, लास्ट क्वेश्चन और पेन आपका अगस्त, आउट। चलो बैठो, लास्ट हाँ तीन क्वेश्चन थे, दो सही, लास्ट क्वेश्चन गलत कर गए। अरे इधर जगह ही नहीं आने की मेरी यार, खड़े इधर 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 इधर, हाँ जी मेरी तरफ ही फेस रखना, उधर नहीं देखना, क्लियर है। जुलाई, जुलाई नवंबर, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन आपका सितंबर, तो तीसरे क्वेश्चन में आउट हो गए। लास्ट क्वेश्चन था तीसरे, बस एक मिनट हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं सुन सकता मैं, टाइम दो ज्यादा लग रहा है। जिसको ये पहले टर्न आ गया उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, आपने पहले तो नहीं, कौन सा बैच है, जुलाई है, तीन क्वेश्चन है, प्राइज आपका रेडी हो। पहला क्वेश्चन है जुलाई, बैठो और कोई एक कर देना लास्ट, कौन सा बैच है, जुलाई, बातें नहीं, बातें नहीं, बोलना नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका अक्टूबर, बैठो बातें नहीं, बातें नहीं यार, तुम्हारी नलायकगिरी देखो कितने, कोई प्राइज ही नहीं जीत रहा। हाँ जी इधर देखो, इधर इधर कौन सा बैच है, जुलाई, तीन क्वेश्चन और पेन आपका, ठीक है चलो इधर इधर थोड़ा सा ऐसे फेस घुमा लो। पहला क्वेश्चन जून, जून जून भाई, दूसरा क्वेश्चन अक्टूबर, बैठो हाँ जी, वैसे एक दो जने लास्ट है यार, फिर अपने पढ़ाई करेंगे। इधर देखो कौन सा बैच है, जुलाई, यार जुलाई वाले सबसे ज्यादा चांस ले रहे हैं, ये जून वालों के बेवकूफों ने पहले पढ़ भी रखा है। हाँ जी तीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जुलाई, दूसरा है नवंबर, लास्ट क्वेश्चन है और पेन आपका रेडी हो। कौन सा पूछूं, अगस्त, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए इसके लिए भाई। चलो क्या क्या ये लो भाई आपकी मेहनत का फल, एक लास्ट फटो खेल आगे, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन सा बैठे जुलाई, पहला क्वेश्चन है आपका सितंबर, इतना टाइम नहीं लाना। दूसरा क्वेश्चन है मई, बोलना नहीं है, अक्टूबर, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि पहले झटके से गए, दस ज्यादा प्राइज थोड़ा, ठीक है जुलाई, वेरी गुड, तो एक और विनर आ गया भाई। चलो कि बस 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 भाई बस, वेरी गुड, चलो कि कोई बात नहीं, जो लोग प्राइज नहीं जीत पाए उनके लिए एक एक लाइन हो रहा है, इसके अंदर भी पांच दस मिनट गेम खेलेंगे। जो लोग नहीं जीत पाए, चलो अगला है डे, डे के भी कोड होते हैं, सात दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
इनके कोड में लिखने जा रहा हूं, 1 2 है इसका, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है इसका कोड, 0 है, जल्दी से याद करो। अब इसके अंदर भी प्राइस देंगे, ओ कोई प्राइस नहीं है, ये याद करोगे 1 2 3 4 कैसे, एक जना वैसे बीच में यस इस बार तो मैं जीतूंगा, अरे बेवकूफ, ये 1 2 3 याद कराऊंगा, मजाक कर रहा था मैं, सीरियस लेके कई लोग, बीच में तो प्राइज मिलेगा मिलेगा, इधर आ जाओ, मैं 1 2 3 याद करेंगे, ये चलो अब 100 सालों का एक कोड होता है जिसको बोलते हैं सेंचुरी कोड, 100 सालों का भी एक कोड होता है जिसको बोलते हैं सेंचुरी कोड, 100 सालों का एक कोड होता है, तो मैं कुछ सेंचुरियों के कोड लिख रहा हूं यहां पे, सेंचुरी कोड, ज्यादातर जो सवाल होंगे वो 1900 वाले होंगे, 1900 सन के वाले होंगे, तो इसका सबसे अच्छी बात है इसका सेंचुरी कोड है ही 0, याद रहेगा, है ना। कुछ सवाल 2000 वाले, जैसे अब 2022 चल रहा है, इन 100 सालों का कोड है 6, क्या है कोड 6, चलो अब ये 1800 वाले आ जाए या 1700 वाले आ जाए या 1600 वाले आ जाए या 1500 वाले आ जाए, इनका कोड क्या होगा, सारों के कोड लिख देता हूं, ये ना टेबल चल रही है, इवन नंबर चल रहे हैं, 0 2 4 6 0 2 4 6 ऐसे चलते रहते हैं, ये 100 सालों के कोड है, ये यूज होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर को, अब हुआ है चैप्टर स्टार्ट, ये तो कोड थे, ये मैंने लीप ईयर सिखाया था भी, फलाने ईयर तक टोटल लीप ईयर कितने होंगे, है ना, ये मैंने आपको दिया था मंथ का कोड, अभी यूज होंगे, अभी शॉर्टकट बहुत गजब गजब के अपने यूज करेंगे, है ना, ये डे का कोड था, ये डे का कोड था। चलो पेपर में सवाल आ गया आपको, बताओ 15 कोई भी एक तारीख दे देंगे पास्ट की या फ्यूचर की, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ऐसा पूछ लिया उन्होंने आपको, 5 चीजें निकालनी है, कितनी चीजें निकालनी है, पहली चीज डेट, आपको देखना है भाई क्या तारीख है, 15 है तो 15 लिख दो, 16 है तो 16 लिख दो, 18 है तो 18 लिख दो, पहली चीज है डेट, दूसरी चीज है मंथ कोड, क्या है मंथ कोड, जिस भी मंथ का जिक्र है, यहां पे कौन से मंथ का जिक्र है, अगस्त का कोड यहां पे उतार दो इसके नीचे 3, सबसे पहले लिखनी है डेट, जो भी तारीख है वो लिख दो, मंथ कोड इस मंथ का कोड लिखने, थर्ड है ईयर, थर्ड है इसमें मैं स्पेशल लिख देता हूं, हमेशा ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिखने, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं लास्ट 2 डिजिट, यानी जैसे कि यहां पे जो ईयर आया है वो 1947 आया है, तो आपने क्या लिखना है 47 लिखना, क्या लिखना है 40, टोटल 5 चीजें करेंगे हम, टोटल 5 चीजें करेंगे, यहां पे 3 चीजें हो गई हैं, आगे आ जाता है लीप ईयर, ये सबसे डिफिकल्ट चीज मैंने जो एडवांस ही बता दी थी आपको, लीप ईयर बताओ 1947 तक ये लिखा हुआ कितने लीप ईयर निकल चुके होंगे, 11, ये डिफिकल्ट है, बस यहां पे अटक जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दो, यहां पे जो रकम आएगी वो आपका आंसर है 11, 11 लीप ईयर लिख दो 11। अच्छा लास्ट स्टेप है सेंचुरी कोड, लास्ट स्टेप है, 5 स्टेप होते हैं, लास्ट स्टेप है सेंचुरी कोड। अच्छा सेंचुरी कोड क्या नजर आ रहा है, 1947 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 0, सेंचुरी कोड क्या है 0। अब क्या करना है, जो पांचों चीजें आ गई इनको जोड़ देना है, इनको पांचों को जोड़ दो, इनको जोड़ दो पांचों को, चलो 15 और 3 18 और 47 65 और 11 76 जो भी टोटल आएगा लास्ट में उसने उसको आपने 7 से भाग देने, किसमें 7 ये एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो वाला 7 एकम 7, ये 6 बच गया, रिमाइंडर बच गया, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो वाला दिन हमारा आंसर है, वो वाला दिन हमारा, छठा दिन कौन सा है फ्राइडे, छठा दिन कौन सा है, तो चेक कर लो, चाहे गूगल में चेक कर लो, रियली 15 अगस्त को जो था 1947 को फ्राइडे था, क्या था फ्राइडे था, क्लियर है, चलो ध्यान रखना कोई भी तारीख मैं दूं 5 चीजें निकालनी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं 5 चीजें, पहले डेट यहां पे 15 तारीख लिखी है तो 15 लिख देना है, दूसरा मंथ कोड यहां पे अगस्त का जिक्र है अगस्त का कोड लिख दो, यहां पे
यहां पे ईयर में लास्ट के टू डिजिट, लास्ट के, अच्छा लीप ईयर में लास्ट के टू डिजिट में चार का भाग देना है। 1947 तक इस सेंचुरी के कितने लीप ईयर निकल चुके, गिनने की जरूरत नहीं है, 1904 1908 1912, चार का भाग देना है, यहां पे जो रकम आएगी वो आपका आंसर है 11। अच्छा सेंचुरी कोड यहां से देखना है, सभी को टोटल करना है और लास्ट में सात से भाग देना है, जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा, वो वाला दिन हमारा क्या है आंसर, वो वाला दिन हमारा क्या है आंसर। अच्छा आज तारीख क्या है, 17 अगस्त 2000, वार क्या आज बुधवार, इस ट्रिक से आंसर निकाल के देखो बुधवार ही आएगा, इस ट्रिक से आंसर निकाल के देखो बुधवार ही आएगा, ध्यान रखना 2022 यहां पे गड़बड़ करोगे, 2022 इन दोनों के बीच में आती है, 2022 इन दोनों के बीच में आती है, सेंचुरी कोड 6 लिखना है जल्दी से, फटाफट आंसर निकालो, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा, सबसे पहले आंसर अभी क्या पांचों चीज निकाली वो आज बा, कौन सा बैच है भाई जुलाई, यार जून बैच तुम लोगों ने नाक कटा दी यार वास्तव में, वेरी गुड। तो यहां पे सबसे पहला जो आंसर है वो जुलाई बैच के स्टूडेंट का आया, ओके 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 वेरी गुड। पांच चीजें निकालनी है भाई, पांच चीजें जल्दी जल्दी पांचों चीजें निकालो जोड़ दो, चलो कि जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया देखो कहां पे गड़बड़ है। तारीख क्या लिखेंगे 17, तारीख क्या लिखेंगे 17, तारीख किसी ने 17, मंथ कोड अगस्त का कोड 3 ही है, मंथ कोड क्या है अगस्त का कोड 3 ही है, 2022 लिखेंगे, 2022 तक लीप ईयर, ये रहा भाई सबसे डिफिकल्ट टास्क यही था, इन पांचों में से सिर्फ लीप ईयर ही ऐसी चीज जो कईयों लोगों को समझ नहीं आती, सिर्फ लीप ईयर ही ऐसी चीज है जो समझ नहीं आती, वो मैंने आपको पहले एडवांस बता दी थी। 22 तक टोटल लीप ईयर कितने होंगे, 22 में 4 का भाग दे दो, यहां पे जो रकम आएगी वो आपका आंसर है 5। सेंचुरी कोड इधर से देखो 2022 इनके बीच में आता है 6, भाई इनको जोड़ दो 17 और 3 20 और 22 42 और 5 47 और 6 53, जो भी टोटल आएगा उसको लास्ट में कितने से भाग देने, 7 और 7 कितने बच गए, चौथा दिन हमारा आंसर है बुधवार, बिल्कुल सही, आज बुधवार ही है, आज क्या है वेडनेसडे ही है, समझ आया। कितनी चीजें निकालनी है आपको, कौन सी चीज है पांचों में से जो समझ नहीं आई, मंथ डेट मंथ कोड ईयर लीप ईयर और सेंचुरी कोड, हाथ खड़े करो कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी, अभी तो कैलेंडर चैप्टर ऐसे बोल रहे हैं, पार्टी का नाम नहीं लेना तुम लोगों ने, ध्यान रखना पार्टी वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है, 4 महीने ध्यान रखना। काफी लोग कर रहे हैं, काफी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं करो, तुम पछताओगे ना जब अकल आएगी 5 सालों बाद, जब सारे जने सेलेक्ट हो जाएंगे फिर पता लगेगा तुम लोगों को, और मैं साफ बता रहा हूं आने वाले टाइम में, आप 2-4 महीने और रुक जाओ, मेरी पूरी कोशिश है यार अरोड़ा क्लासेज के अलावा बाहर का कोई स्टूडेंट सेलेक्ट ही ना हो, ऐसा माहौल बनाना है, यहाँ पे कोई और बड़ा प्रोजेक्ट मैं हाथ में ले रहा हूँ, हॉस्टल बना रहे हैं और वहां पे सोना और उठना मेरी मर्जी के साथ होगा, समझ रहे हो, हाँ फिर देखना, देखता हूँ तुम कैसे पार्टी पार्टी बोलते हो, तुम 24 घंटे मेरी नजरों में रहोगे, समझ गए, वैसे एक आधे महीने में प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, और जिसको कहेंगे जो हॉस्टल में ना रुका और फीस रखेंगे 1000-1500 रुपए महीने की, बस हॉस्टल में रुकने की बस, और खाना ऐसे लाइनों में बैठ के ऐसे नीचे बैठ के लंगर जैसे खाते ना वैसे खाया करोगे, बस 2 फुलके मिला करेंगे, दाल मिला करेगी, हाँ कहीं सोचो 1000 रुपए में पनीर की सब्जी लाएंगे सर। प्लान मेरे मन में बहुत बड़ा है भी यार ऐसे पकड़ना है, चक्कर ये है यार मोस्टली लोग तो आगे ताबे भी, हाँ यार घर पे आके पागलपन कर रहे, कई लोग नहीं कर रहे, अब जब यहाँ पे ऐसी हॉस्टल वाली सर्विस रखेंगे तो उठाना भी सही है भाई, हाँ सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, रात को इतने बजे सोना है, फलाना सारा कुछ टाइम शेड्यूल फिक्स करेंगे तुम लोगों का, तब पता लगेगा तुम लोगों को, बस दुआ करना भगवान से भी ये प्रोग्राम जो है कामयाब हो जाए, अब आप इतने ज्यादा लोग दुआ करोगे तो पक्का फिर तो भगवान को माननी पड़ेगी बात, ध्यान रखना, करोगे अभी करो। एक बंदे ने इसने किया ऊपर देखे, बाकी नलायक स्वार्थी लोग इधर आ जाओ, सब कुछ ओके है,
अच्छा कोई यहाँ पे आसपास के बॉयज में कोई ऐसा बॉयज जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ और डे ऑफ बर्थ दोनों पता हो, कौन से दिन कौन से वार को उसका जन्म हुआ वार भी पता हो। हाँ जी चलो अपने मैं वार नहीं बोलना, वार नहीं बोलना, वार जनता बोलेगी, आपको सिर्फ डेट बोलनी है, तारीख बोलो। चार चार मार्च 2002 चार कोई 1900 वाला बोलो यार, 2002 में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी 10 नवंबर 1994 जल्दी से बताओ इस दिन क्या बात था, सभी लोग फटाफट निकालो आंसर, फिर अपने इनसे वेरीफाई करेंगे। 10 नवंबर 1994 इस दिन क्या वार था, पटर पता लगाओ। संडे की तक आ रहा है, एक आ गया पिछे मंडे, संडे आ गया सॉरी मंडे होगा जी, इधर करता है चेक करो सर, नोट कर रहे क्वेश्चन जो नोट कर दे वो सारे आंसर दे रहे हो ना लड़, ईयर कितने बोले तुम, ईयर में 2022 बोले से हाँ जी वानी गुड मॉर्निंग ठीक हो जी, कोड याद हो गए, मंथ कोड याद है, डेज कोड कितने टाइम से कर दें क्वेश्चन विद इन सेकंड,
एक में चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं ठीक है। एक एक्चुअली की है क्वेश्चन करने दी एक नहीं दो मेथड है, एक नहीं दो मेथड है, हालांकि मैं दो मेथड करवाऊंगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं दे दा पहला आंसर कि होता है ठीक है जी। पॉइंट करो डे के 24 अक्टूबर 1975 मेरे बच्चे ऑनलाइन है आवाज आ रही है सर कितने बस रोडा सर आते हूँ बस ठीक है दो मिनट जाएगा आप दो क्वेश्चन कर लें पॉइंट कर दें हाँ जी किन्ना आंसर आया इधर फ्राइडे नहीं आया कोई है इधर चलो एक मिनट में सॉल्व करवा रही हैं सबसे पहले की लिखोगे डेट 24 उस तो बाद मंथ कोड अक्टूबर का मंथ किन्ना कोड है 1 उस तो बाद मतलब जेड़ा ईयर आप फाइंड करना है और लास्ट टू डिजिट सेंचुरी कोड 0 लीप ईयर किन्ने लगे 18 डिवाइड बाय 7 चलो हम ध्यान दो इस तो अगे ना इन सोलह दो मैथड है फर्स्ट मैथड या तो सारे का प्लस करो डिवाइड बाय 7 इदा किता जी चलो एक मैं करवा रहे हैं इधर सम कर कि आएगा 118 24 25 25 18 43 43 75 कि बचेगा 118 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर किन्ना रिमाइंडर किन्ना आ गया 6 तक डे कि होगा आ क्लीयर एक सैकेंड मैथड है यह सारे का प्लस किया डिवाइड बाय 7 सिंपल है एक और मैथड है वैसे तो भी सिंपल है एक मैं करवा दिना आंसर सेम ही आएगा फर्स्ट मैथड आप प्लस किया डिवाइड बाय 7 आप रिमाइंडर है 6 डे कराएगा फ्राइडे आप इदा भी कर सकते हैं ये चलेगा सारे नो प्लस करने की लोड़ नहीं मतलब जिन्ना भी उपर नंबर लिखे है सारे नो प्लस करने की लोड़ नहीं है सिंपल मैं कहना 24 है 24 नो 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 3 1 तो छोटा ही है रिमाइंडर 1 ही बचेगा 75 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 4 3 1 4 9 नौ ते 4 13 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 6 डे कराएगा ठीक है जी दो मैथड है फर्स्ट मैथड या तो साढ़े प्लस करो डिवाइड बाय 7 अगर प्लस करने के कंफ्यूजन है या स्पीड फास्ट नहीं हैगी तो कला कला नंबर भी डिवाइड कर सकते पता लग गया yes, कोई डाउट yes, एक क्वेश्चन और दिया yes, नोट कर ले लौटता नहीं अक्षित कुमार हाँ जी कोई डाउट है तो पूछो जी ओ डे चल मैं करवा देना हाँ 6 ओ डेज आप कह सकते हैं
मतलब सिक्स डे का आएगा फ्राइडे, ठीक है जी। किन्ना सर आ रहे हैं साधा फ्राइडे करवा दी दौड़ दी करवा दिए एक भी मैं करवा देना सैकेंड मैथ फर्स्ट यूज करांगा सैकेंड, ठीक है जी। सब तो पहला डेट आएगी, डेट कि 16 अप्रैल का कोड 0 लास्ट 2 डिजिट सेंचुरी कोड 0 लीप ईयर डिवाइड बाय 7 और 16 ते 7 रिमाइंडर कितना आएगा 2 0 रिमाइंडर कितना आएगा 1 43 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर आ गया 1 0 रिमाइंडर 3 2 3 3 3 6 रिमाइंडर 6 ही आ गया 6 तक डे कितना आएगा पढ़ाएंगे। कोई डाउट आ क्लियर है? अगर एग्जाम चाहे कर दोगे अच्छा 2000 वाला केस, हाँ बिल्कुल जी, मैं करवाना 2000 वाला भी सारी एग्जाम कराऊंगा लीप पर की केस है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल तुम्हें लीप पर कंसेप्ट दसा लीप पर वाला काफी दिवस ने की कुछ करवाया स्टार्टिंग चो क्लास की नहीं लगाई है स्टार्टिंग चो एक सर ने की कुछ करवाता दिखाओ बस आई करवाया हाँ जी ध्यान दो जरा क्वेश्चन करवाए थे और कोई डाउट था नहीं। चलो हम मैं तुम्हें एक स्टेप अगे लेके जाना है, ठीक है जी। और डेज की होंगे हाँ जी ध्यान दो एक्चुअल दे विच और डेज आप किनू कहने और डेज वो होंगे है जेडे वादू दिन मतलब आप कह दिए वादू दिन किवें एग्जाम्पल ले रहे हैं मान लो आ तरीक नहीं है 17 अगस्त आज डे कड़ा है 24 अगस्त में की आएगा अगर 17 अगस्त नो बुधवार है 24 अगस्त नो की होएगा बुधवार होएगा ना मतलब आपने एक चीज क्लियर है कि 7 डेज बाद जरा डे की है रिपीट होने मतलब आप कह दिए एक हफ्ते बाद डे कि आएगा सेम ही आएगा दो करवा दे मैं कोई भी तारीख दूंगा आपको उसका बार निकाल लोगे ओके ये 3 एग्जांपल ओके हैं। अब इससे अगला जो स्टेप है देखो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन था वन लाइनर मतलब
आपको एक तारीख बता दी और पूछ लिया भी इस दिन क्या वार था या होगा। कई बार दो लाइनें दे देते हैं, कई बार दो लाइनें दे देते हैं, जैसे कि ये दोनों लाइनें दे देंगे, ये एक बार बता देंगे एक बार और एक बार पूछेंगे। वो कहेंगे अगर 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे था, बताओ 17 अगस्त 2022 को क्या बार होगा। अब फंस गए। देखो जब वन लाइनर है सीधा एक पूछा सवाल भी, 15 अगस्त 1947 को क्या बार था, तब आसान है, तब आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर लाइने दो आ गई, एक पहले खुद बता दी एक दे दी, अब फंस गए। अब आपको दो सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। कितने सवाल सोल्व करने पड़ेंगे? पहले तो ये चेक करना पड़ेगा भी ये जो वार बताया ये सही बताया है गलत बताया। कई बार गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तब क्या करना है? अगर ये झूठ बोलेंगे तो तब क्या करना है? ध्यान रखना, पहले तो मैं ये चेक करूंगा रियली इस दिन फ्राइडे था या नहीं था। मैंने चेक किया 15 अगस्त 1947, 76 आ गया टोटल, 6 आ गया रिमाइंडर, हाँ फ्राइडे, सही बोल रहे हैं भाई ये, सही बोल रहे हैं, मैंने चेक कर लिया। ये क्या बोल रहे हैं? तो हमने भी इसका आंसर निकालना, भी इसका आंसर निकालना है, 17 अगस्त फलाना फलाना, और मेरा आंसर आ गया रिमाइंडर 4 बुधवार, मैं बुधवार ठोक दूंगा। अगर ये सही बोलेंगे तो हमने भी सही बोलना है, अगर ये सच बोलेंगे तो हमने भी, लेकिन अगर ये झूठ बोल गए तो, हाँ अगर ये झूठ बोल गए, इन्होंने कहा 15 अगस्त को जी संडे था, झूठ बोल दिया संडे, तो हमने देखना है, हमने सही बार निकालना है। हमने सही बार निकाला, हमारा तो आंसर आ गया फ्राइडे, हमारा तो छठा दिन आ रहा है, आंसर आ गया फ्राइडे, ये बोल रहे संडे, यानी सच से दो दिन आगे का वार बोल रहे हैं, सही से दो दिन आगे का वार बोल रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है, यहाँ पे पहले सही आंसर निकालना है, हमारा आंसर आएगा बुधवार, लेकिन बुधवार आंसर मत दिया ना, हाँ दो दिन आगे का वार, वीर शुक्र फ्राइडे। ध्यान रखना, अगर ये सच बोलेंगे तो हमने भी, और अगर ये झूठ बोलेंगे तो हमने भी, हाँ तो अगर ये बोलेंगे भी मैं सचिन तेंदुलकर हूं, तुम भी बोलेंगे हम भी धोनी है, ले रहे हैं ना, तो अगर ये अपने आप को 30 मार्क का बोलेंगे तो हमने भी बोलना हम कौन सा कम है ना, अगर ये सच बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे हम भी बेरोजगार है ना, हम भी सच बोल देंगे, तो आप लोगों ने भी तो सच बोलना है अगर ये सच बोलेंगे तो, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना, अगर लाइनें दो आ गई, पहले एक लाइन बता दी इस दिन ये वार था, बताओ इस दिन क्या होगा, तो आपको पहले पहली लाइन वेरीफाई करनी पड़ेगी। हालांकि मैं आपको डे टू में शॉर्टकट सिखाऊंगा बहुत गजब का, डे टू में कई बार ये वाला मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, बहुत गजब के शॉर्टकट है, इनसे भी फास्ट करेंगे, लेकिन पहले डे वन करना जरूरी है, डे वन का टाइप है। ध्यान रखना, पहले हमको वेरीफाई करना है कि ये जो बात बताई है ये सही भी बताई है नहीं बताई। अगर सही बताई है हम भी सही बोल देंगे, अगर झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठ बोलेंगे। कितना झूठ बोल रहा है, जितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। अगर ये सही से दो दिन आगे का वार बोल रहे हैं तो हम भी सही से दो दिन आगे का वार बोलेंगे, और अगर ये सही से 4 दिन आगे का वार बोलेंगे तो हम भी सही से 4 दिन आगे का वार बोलेंगे। करें ऐसा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके देखें। दो लाइनें दे दी, पहले एक बार बता दिया अगर 15 दिसंबर 1955 को संडे था तो बताओ 25 अक्टूबर 1995 को क्या वार होगा। ध्यान रखना, पहले चेक करने 15 दिसंबर चेक करो, क्या इस दिन जो वार बताया सही बताया, पहले इसको चेक करके बताओ क्या वार सही बताया। सही बताया गलत बताया? अच्छा कितना गलत है, क्या बार आया? थर्सडे आया, थर्सडे आ रहा है। कितने दिन आगे का बार बोल रहे हैं? 3 दिन आगे का बार। करो 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 सॉल्व करो, अपना सॉल्व करो।
इसका राइट बार क्या रहा है? राइट क्या रहा? राइट वेडनेसडे, लेकिन हम क्या लिखेंगे? तो हमारा आंसर आएगा सैटरडे। देखो ऊपर वाले का राइट थर्सडे आ रहा था, क्या आ रहा था? जबकि ये क्या बोल रहे हैं? यानी कि सही से फ्राइडे सैटरडे संडे, तीन दिन आगे का बार बोल रहे हैं, सही से तीन दिन आगे का। ये थर्सडे कैसे आया? वो पांच कोड लगाकर, वो पांच कोड लगाकर आया। फिर मैंने पांच कोड लगा के इसका आंसर निकाला, इसका आंसर वेडनेसडे आ गया। तो मैं तीन दिन आगे का बार, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। अच्छा किसका इसका आंसर थर्सडे राइट आंसर थर्सडे नहीं आ रहा था? हाथ खड़े करना कौन कौन है, मैं टोटल बताऊं फिर। चलो देखते हैं कहां गलती कर दिया। सबसे पहले लिखते हैं डेट, तारीख क्या लिखेंगे? दिसंबर का कोड, ईयर लीप ईयर के लिए चार से डिवाइड करो उसको, तेरह चौक बवंजा तेरह, और सेंचुरी कोड क्योंकि 1955 का सेंचुरी कोड जीरो होगा, जोड़ना पंद्रह और छह इक्कीस, इक्कीस और पचवंजा छिहत्तर, छिहत्तर और तेरह 89, कितना आ गया 80, और 89 को फाइनली किससे भाग देना है? सात से, तो फाइनल आंसर आ गया पांच। पांचवा दिन संडे, पहला दिन संडे होता है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, पांचवा दिन कौन सा होता है? कहां गलती की थी आप लोगों ने? देखो अरे भाई पांचवा दिन आया, पांचवा दिन, पांचवा दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? थर्सडे। टेबल नहीं यार, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे छठा दिन और सैटरडे जीरो दिन था, जीरो। अगर यहाँ पे पांच बचा है थर्सडे, जीरो बचता पूरा पूरा भाग चल जाता सैटरडे, पूरा पूरा भाग चल जाए तो क्या आएगा? तो मैंने दो टाइप आप लोगों को बता दिए। कितने टाइप बता दिए? दो टाइप। पहला टाइप जब वन लाइनर दे रखा हो, सीधे ये पूछा बताओ 15 दिसंबर 1955 को क्या बार था, बस इतना था किसान, फिर तो आंसर बोल देंगे थर्सडे। क्या बोलाएंगे? लेकिन कई बार एक लाइन दे रखी हो, दूसरी लाइन पूछी हो, तो पहले पहली लाइन को वेरीफाई करना है कि ये सच भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच बोल रहे हैं तो हमने भी, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो हमने भी। यहाँ पे इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने राइट तो आंसर थर्सडे था, ये कह रहे हैं जी संडे है। मैंने कहा गलत बोल रहे हैं भाई, तीन दिन आगे का बार बोल रहे हैं। मैंने भी सही आंसर निकाला और मैंने भी तीन दिन आगे का आंसर ठोक दिया। अगर मैं पेपर में आंसर वेडनेसडे दिया था गलत हो जाता, ये रीजनिंग है। अगर ये झूठ बोलेंगे तो आपने भी झूठ बोलना है। इन्होंने वो झूठ बोल दिया, आज संडे है, इन्होंने झूठ बोल दिया आज संडे है, कल क्या होगा? तो आप बोल दो मंडे भी, आज संडे तो मान लेना, यानी जो ये बोलेंगे मान लेने, उसके हिसाब से जवाब देने। तो इन्होंने ये कह दिया 1955 को संडे था, मान लिया भाई संडे था, उस हिसाब से मैंने कह दिया फिर इस दिन ये बार होगा। समझ गए? जितना का बड़ा झूठ ये बोलेंगे उतना का बड़ा, उतना का बड़ा ठोकना है। कहीं सोचो ये झूठ बोल रहे हम भी कुछ मर्जी ठोक देंगे झूठ, नहीं नहीं उतना झूठ बोलना जितना कि ये बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तीसरा टाइप, टोटल तीन टाइप है। तीसरा टाइप, कई बार ये क्या करेंगे, ये सिर्फ मंथ का नाम दे देंगे और ईयर दे देंगे। जैसे आपको आप बैठे बैठे है, आपको बैठे बैठे अब कौन सा मंथ चल रहा है, अगला कौन सा मंथ है, आपको बैठे बैठे पता करना है 20 सितंबर में कौन कौन से दिन हमको छुट्टियां मिलेंगी, कौन कौन से दिन ऐसे हैं जिस दिन हम 12-12 घंटे पढ़ेंगे। आपको बैठे बैठे पता करना है बगैर कैलेंडर के, आपको पता करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ सितंबर 2022 में कौन कौन सी तारीख को, आपको यहाँ पे कोई तारीख नहीं दे रखी, आपने क्या करना है? सबसे पहले एक तारीख का पता लगाना है। कौन सी तारीख का पता लगाना है? हमेशा एक तारीख का। चलो पहले एक तारीख का वार पता करते हैं, एक तारीख का वार पता करते हैं। डेट मंथ कोड सितंबर का, लास्ट टू डिजिट
लीप ईयर 22 तक पांच लीप ईयर, सेंचुरी कोड ये बच के रहना 2000 है, सेंचुरी कोड 6 लगाओगे, 2000 का सेंचुरी कोड 6 होता है। चलो जोड़ते हैं, 1 और 6 7 और 22 29 और 5 34 और 6 40, फाइनली जो टोटल आता है उसको कितने से भाग देते हैं, पांचवा दिन, पांचवा दिन कौन सा है, थर्सडे। तो 1 तारीख को क्या बार आएगा, 1 तारीख को भाई थर्सडे आ गया, मुझे ढूंढना था, कोई बात नहीं, एक एक दिन जंप करते रहो, तब तक जंप करते रहेंगे जब तक संडे ना आ जाए। अगर 1 तारीख को थर्सडे है, 2 तारीख को फ्राइडे, 3 तारीख को, 4 तारीख को, हाँ तो पहला संडे जो है वो 4 तारीख को आ गया। कौन सी तारीख को आ गया, इन्होंने सारे संडे पूछ लिए, सितंबर 2022 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा, तो भाई 4 तारीख को संडे आ गया। अब 7-7 दिन जोड़ते रहो, 4 और 7 11 और 7 18 और 7 के 4 संडे आएंगे अगले महीने। यहां पे संडे चैलेंज मिलेगा आपको, पता है, नोट कर लो, ध्यान रखना। कई बार पेपर में सवाल आ जाता है, बताओ फलाने मंथ की कौन कौन तारीख को मंगलवार होगा, बुधवार होगा, वीरवार होगा, तो आपने सबसे पहले कौन सी तारीख का पता लगाना है, अपने आप कोई ना कोई डेट किसी में कुछ तो लिखना पड़ेगा, 1 तारीख का पता लगा लो, हो सकता है 1 तारीख को ही वो वार आ जाए जो वो मांग रहे हैं, फिर तो 1 लिखो और 7-7 दिन जोड़ दो। अगर 1 तारीख को वो वार ना आए तो तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक जो वार उन्होंने मांगा वो आ ना जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको ऐसे कोई सवाल दूंगा तो सबसे पहले कौन सी तारीख का पता लगाना है, 1 को जो वार आ गया उससे वो वार ढूंढ रहे हैं जो वार आपको चाहिए। कर लोगे ऐसा सवाल, 1 दूं एग्जांपल, सबसे पहले कौन सी तारीख का पता लगाओगे, 1 अप्रैल 1998, वेरी गुड। कौन सा सेकंड आंसर है, डी। अच्छा 1 तारीख को क्या बार आ रहा था, बुधवार, हमको चाहिए था शुक्रवार, तो 2 को थर्सडे आ गया, 3 को फ्राइडे, वेरी गुड। पहला फ्राइडे 3 तारीख को आ गया, अब 7-7 दिन जोड़ते रहो, अब 7-7 दिन जोड़ते रहो, हर 7 दिनों बाद सेम वार आएगा, हर 7 दिनों बाद सेम वार आएगा। कितने जनों का आंसर आ चुका है, हाथ खड़े करेंगे, वाह जी वाह, वेरी गुड। एक ना ध्यान रखना आने वाली पोस्टों के लिए, देखो मैं आप सभी में से कुछ घोड़े हैं कुछ, तो मैं ना देखो हम ना एक प्लान में, एक प्लान मेरे माइंड में आया हुआ है, हम पूरे इंस्टीट्यूट में से 200 लोग सिलेक्ट करेंगे। कितने लोग सिलेक्ट करेंगे, उन लोगों को रूटीन में जो क्लासें मिल रही है वो तो मिलेंगी मिलेंगी, वो काम तो उनको पूरा ही करना है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खूंखार होते हैं, जिनको पहले से सारी चीजें लगभग लोग आईडिया है, उनको तो ये चीजें बच्चों ऐसी लगती है क्या करवा रहे हैं सर यार, है ना, कई ऐसे लोग होते हैं। तो हम उन लोगों को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करेंगे, क्या दिया करेंगे, एक्स्ट्रा होमवर्क।
तो ध्यान रखना, क्योंकि वो 200 लोगों की तो मैं ऐसे समझ लो वो तो पक्का सिलेक्ट है ही है। सारे टीचर जो है उनको एक्स्ट्रा होमवर्क और देंगे पढ़ने के लिए, ये और पढ़ के आना तेरे को, बाकी तो संभलना ही नहीं है। बाकी ये बड़ा मुश्किल से संभाल रहे हैं बेचारों को, 3 तारीख नहीं निकल रही। कौन कौन से लोग हैं, ठीक है ना? तो कंपटीशन होगा हर एक क्लास के अंदर। मैंने 200 लोग सिलेक्ट करने हैं, वो जिनके किए हुए चैप्टरों में से टेस्ट लेंगे। आपका ध्यान रखना एडवांस हफ्ते के बाद का प्लान है, हफ्ते आपके पास, जो चैप्टर आपको कराए हुए रिवाइज कर लेना अगर टॉप 200 में आना है तो। उन लोगों को अलग से लाइव क्लासे देंगे, लाइव यहाँ पे नहीं बुलाया करेंगे, क्योंकि क्लास वो शाम को दिया करेंगे हम लोग। टीचर एक्स्ट्रा जोर लगाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा हर जना, ठीक है ना? तो अगर आपको टॉप 200 में आने में पहले कह रहा हूं, और वो लोग मैं गारंटी देता हूं एक सिंगल जना नहीं है जो पेपर क्लियर ना कर सके, हर पेपर उसका क्लियर होगा, मैं सियोरिटी दूंगा। लेकिन हजारों बच्चों में से 200 सेलेक्ट करना बहुत टफ है, ध्यान रखना। यहाँ पे हर एक मेहनती कैंडिडेट है, मुझे पता है। तो देखते हैं आप 200 में आ पाओगे नहीं आ पाओगे, ठीक है? चलो कितने जनों को ये क्वेश्चन समझना है, देखो सबसे पहले मैं 1 तारीख का पता लगाऊंगा, मैं 1 तारीख का पता लगाऊंगा सबसे पहले। 1 अप्रैल को क्या वार आ रहा है? 1 अप्रैल 1905 चीजें निकालते थे। देखो मैं पहले डेट मंथ कोड, अप्रैल का कोड 0025 है ना, 0 98 लास्ट के 2 डिजिट लिख देते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर के लिए इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दुनी 4 चौक, यहां पे जो रकम आती है आंसर होता है लीप ईयर 24। सेंचुरी कोड कितना हो गया टोटल, 99 और 24 123, 100 इन सारों का टोटल 123। पहले तो मुझे बताओ इन पांचों में से कौन सा नंबर है, 1, 0, 98, 24 कौन सा नहीं समझ आया? किसी के ऊपर उंगली रखना, मैं उसको डिटेल में समझाता हूं। 98 नहीं समझ आया, 24 नहीं समझ आ रहा, एक चीज के ऊपर उंगली रखो, बोलो बोल पड़ो बोल पड़ो। मैं पहले कह रहा हूं डांटूंगा नहीं, वादा है, हाथ खड़े करो। सर 98 नहीं पता लगा, मैं फिर कह दूंगा 1998 का लास्ट 2 डिजिट है, ऐसे में से इतना से बोलूंगा, हाथ खड़े करो। कुछ पूछना इनमें से, पांचों में से लास्ट में जो टोटल आएगा उसको कितने से भाग देना है? हर बार 7 से, 7 एकम कितना बच गया, 7 7 इस बार रिमाइंडर देखना होता है, रिमाइंडर इस बार रिमाइंडर, लीप ईयर में यहां वाला और लास्ट वाले में रिमाइंडर, चौथा दिन कौन सा, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। तो यहां पे कौन सा बार आ गया, मुझे चाहिए तो भाई 2 तारीख पे पहुंच जाओ। 2 तारीख को क्या होगा और 3 तारीख को क्या होगा, लो भाई जो वार मुझे चाहिए था वो तो 3 तारीख को आया। अब इसमें 7 दिन जोड़ो, इसमें 7, इन सारों को फ्राइडे होगा। जब 3 तारीख को फ्राइडे है, हर 7 दिनों बाद फ्राइडे होगा, हर 7 दिनों बाद फ्राइडे होगा। तो ये डे वन अपना कंप्लीट हुआ, अभी क्या कंप्लीट हुआ है, डे वन में 3 टाइप है, कितने टाइप है, पहला टाइप कोई एक सिंगल तारीख दे दी जाएगी, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, फलानी तारीख को क्या होगा, तो ये 5 चीजें करनी होती है। दूसरा 1 तारीख दे देंगे, दूसरी तारीख पूछेंगे, 1 तारीख दे देंगे, दूसरी तारीख पूछेंगे, और तीसरा आपको एक मंथ दे देंगे, जैसे यहां पे अप्रैल का महीना दे दिया, अप्रैल 1998 की कौन कौन सी तारीख को फ्राइडे होगा, तो सबसे पहले कौन सी तारीख निकालनी है। हाँ, कई बार तो 1 तारीख को ही वार आ जाएगा जो हमसे मांगा है, नहीं आया तो तब तक आगे बढ़ते रहो, तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक जो वार ये मांग रहे हैं। अगर यहाँ पे संडे लिखा होता, क्या लिखा होता, तो मैं और 2 दिन और आगे चल जाता, 5 तारीख को आता, फिर मैं 5 5 के बाद 7 7 दिन जोड़ता रहता, समझ गए? यानी ये कोई भी वार मांग सकते हैं। सबसे पहले कौन सी तारीख का वार पता लगाएंगे, 1 तारीख का, कौन सा तारीख का, और फिर उससे उस तारीख तक पहुंच जाएंगे जो तारीख वो मांग रहे हैं, जो वार वो मांग रहे हैं। अच्छा एक छोटी सी बात बतानी रह गई थी, देखो ये जो कोड लिखे थे हमने, ये जो कोड लिखे थे हमने, इसमें छोटा सा चेंजेज होगा। नॉर्मल ईयर में तो सारे कोड यही रहेंगे, लेकिन लीप ईयर में, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। लीप ईयर में इसका कोड 1 नहीं रखना, 1 घटा दो, और इसका कोड 4 नहीं रखना, 1 घटा दो, सिर्फ 2 महीनों के, बाकी के कोड लीप ईयर में भी नॉन लीप ईयर में भी सेम रहेंगे, सिर्फ जनवरी और फरवरी में, सिर्फ जनवरी और फरवरी में आपको जनवरी का कोड क्या लेना है, 0। कब, लीप ईयर में। मैं आपको एक ईयर बोलता हूं, मुझे ताना कोड क्या लोगे, मैं आपको ईयर बोलता हूं और मंथ बोलता हूं, ताना कोड क्या लोगे,
मई 2020, मई 2000, मई बोला बेवकूफो, मई 2020, तो मई चाहे लीप ईयर के नॉन लीप ईयर के, मई का गोड़ तो हमेशा ही दो रहेगा, उसमें टेंशन ही नहीं, कोई सोच रहे। अच्छा मैं कहूंगा जनवरी 2022, जनवरी 2022 लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है तो फिर एक बोलेंगे, जीरो कौन बोला था, मैं जीरो बना दूंगा तेरे को, ध्यान रखना जनवरी का कोड जीरो कब लेना है, जब लीप लीप ईयर पता है कौन सा होता है, शुरू शुरू में बताया था, चलो बताना फरवरी, फरवरी 1948, फरवरी 1948 तीन, 1948 लीप ईयर है तो कोड क्या लेंगे, 1948 लीप ईयर, इसलिए फरवरी का कोड क्या लेंगे, जीरो और तीन कब लेना है, जब लीप ईयर हो, तो बहुत रेयर मिलेगा इस बार। अच्छा मुझे बताओ यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं लीप ईयर, मैंने कहा 2022 तक लीप ईयर कितने निकल गए, आपने क्या बोला, कौन कौन से, 2004, 2008, 2012, 2016, 2000, अच्छा लेकिन मैं कहूं 2005 तक कितने लीप ईयर निकल गए, एक, 2004, देखो पहला लीप ईयर 2004 ही माना जाएगा, 2000 नहीं माना जाएगा, 2000 पिछली सेंचुरी का था, 2001 से सेंचुरी स्टार्ट होती है, 2001 से पहला लीप ईयर 2004 माना जाएगा। अच्छा मैं यहां पे लिख दूं 2003, अब आप ये जीरो लिखोगे, 2003 तक लीप ईयर कितने होंगे, जीरो, कोई आया नहीं लीप ईयर 2003 तक, तो आया ही नहीं कोई लीप ईयर, 2004 पहला था अभी तो आया नहीं, 2003 आ जाए, अगर यहां पे ईयर 2003 आ जाए लीप ईयर वाले खाने में क्या लिखोगे, 2002 आ जाए, 2001 आ जाए और 2000 आ जाए तो भी जीरो, 2000 आ जाए तो भी, नोट कर लो 2000 आ जाए तो भी जीरो, एक आधा सवाल 2000 वाला भी आ सकता है, 2000 आ जाए ना तो भी लीप ईयर जीरो गिनने, लीप ईयर जीरो गिनने 2000 आ जाए तो भी। मैंने आपको ये कहा है लास्ट के टू डिजिट में चार का भाग देना है, तो लास्ट के टू डिजिट जीरो जीरो आ गए 2000 में, तो जीरो जीरो में चार का भाग दोगे यहां पे जीरो ही तो आएगा, 2000 में लीप ईयर जीरो गिनने हैं, 2001 में भी जीरो गिनने हैं, 2002 में भी जीरो गिनने हैं, 2003 में भी जीरो गिनने हैं, 2004 आ जाए तो एक गिनना है, 2004 आ जाए चाहे मंथ जो मर्जी आ जाए टेंशन नहीं लेनी, 2004 आ जाए मंथ जो मर्जी हो जाए, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मंथों का हिसाब किताब यहां पे किया हुआ है सारा। जनवरी आ गया, जनवरी 2004, आपको लीप ईयर तो आया नहीं अभी तो 29 फरवरी में आएगा, अरे नहीं भाई 2004 आ गया ना तो आप एक लीप ईयर गिन लोगे, यहां पे हिसाब किताब किया हुआ पहले से ही घटाया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी, 2004 आ जाए जो मर्जी मंथ आ जाए लीप ईयर एक गिनोगे, समझ रहे हो, डे वन समझ आ गया, कितने टाइप है दोबारा बताता हूं, पहला टाइप सीधी एक तारीख पूछ ली जाएगी, बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, वैसा आप पैसे कर दोगे, दूसरा सवाल एक तारीख दी होगी दूसरी तारीख, तो उसमें पहले चेक कर रहे हैं भी पहले जो वार बताया था वो सही भी बताया था नहीं बताया था, अगर वो सच बोलेंगे तो हमने भी सच, अगर वो झूठ बोलेंगे तो हमने भी झूठ बोल, डे 1 पच गया, डे 2 करें स्टार्ट, थोड़ा सा कराऊंगा आधा कराऊंगा डे 2 आधा कराऊंगा, जितना का 50 को जब आपकी हिम्मत खत्म हो जाए सर भाई काम खत्म हो गया तो हाथ खड़े कर देना, और मुझे पूरा विश्वास है यार आप खूंखार स्टूडेंट हो आप हार ही नहीं मानोगे, कोई जना हाथ ही नहीं खड़े करेगा सर करवाते रहो दिमाग में हमारे तोड़ी नहीं भरी हुई, हमारा दिमाग है ऐसे कहेगा हर एक जना, है ना, ये मुछे माछे से नहीं ऐसे करनी, ध्यान रखना क्लास में आए हो स्टूडेंट बन के बैठने और ढंग से बैठा करो, एक ही हो गए सीधे तो। अब मैं आपको सबसे पहले देखो मैंने आपको तीन तरह के जंप करवाने हैं, अच्छा तीन तरह के जंप करवाऊंगा, एक डे टू डे जंप, एक डे टू डे जंप, मंथ टू मंथ जंप और ईयर टू ईयर जंप, ईयर टू ईयर जंप, है ना। चलो पहले डे जंप करना सिखाता हूं, पहले डे जंप करना सिखाता हूं, आज वार क्या है, आज वार क्या है, वेडनेसडे, आज क्या वार है, आज से 7 दिनों बाद क्या बार होगा, वापस वेडनेसडे, इसके 7 दिनों बाद यानी टोटल 14 दिनों बाद वेडनेसडे, इसके 7 दिनों बाद यानी 21 दिनों बाद, यानी जिस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जिस संख्या में 7 का पूरा उतने दिनों बाद आज वाला वार ही आएगा, होगा बोला था,
चलो आज से 28 दिनों बाद क्या बार होगा? वेडनेसडे। 28 में 7 का भाग जाता है ना, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा उतने दिनों बाद क्या बार होगा? आज से 14 दिनों बाद, 14 में 7 का भाग जा रहा है, आपने वेडनेसडे बोल दिया, लेकिन मैं ऐसा बोल देता आज से 15 दिनों बाद क्या बार होगा? अब 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, एक रिमाइंडर बच रहा है, इसको बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं? ऑड डेज। वैसे सर करवा रहे थे ना मेरे ख्याल से आपको, अच्छा ये वाला था, कुछ करवा दिया था। चलो तो ध्यान रखना, अगर 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो आप उसमें 7 का भाग दोगे और देखोगे शेष फल क्या बच रहा है, क्या देखोगे? इसको बोलते हैं ओड डेज, एक्स्ट्रा दिन, उतने दिन आगे चले जाओ, एक दिन बच गया ना, एक दिन आगे चल जाओ। बुद्ध था ना वीर यार, जिसमें 7 का भाग ना जाए, 7 का भाग चला गया तो आज वाला वार बोल देना, लेकिन 7 का भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 1 बच रहा है, उतने दिन आगे चले जाना। आज से 30 दिनों बाद क्या वार होगा बताओ? आज बुधवार है, आज से 30 दिनों बाद क्या वार होगा? कितने और डेज है? दो दिन आगे चले जाओगे, आज बुधवार है ना, 2 दिन आगे चलो, वीर शुक्र, शुक्रवार होगा। मैं जितने मर्जी दिन बोल दूं, हजारों में बोल दूं, आपने हमेशा किसका भाग देना है? 7 का भाग देने के बाद शेषफल देखने है क्या बचेगा, वो कहलाते हैं ओड डेज। क्या कहलाते हैं? चलो आज बुधवार है, आज से 60 डे बाद क्या बार होगा? हाँ जी, चलो खड़े, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? खड़े 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 खड़े, तुम्हें मैं बताता हूँ क्या होगा। हैं मंडे, खड़े हैं, क्या होगा? मैंने एक चीज मैंने बोलने से मना की हुई है, हाँ जी क्या होगा? हैं हाँ ये दम, खड़े खड़े कौन बोल रहा है? खड़े, आज से 60 दिनों बाद क्या बार होगा? बेवकूफ मैं लगाऊंगा तुम्हारे, आज से 60 दिनों बाद क्या बार होगा? संडे वाला दिन बोल रहा है बेवकूफ, मैं लगाऊंगा तो बेटा, संडे के सके संडे बोल दिया ना, हिसाब लगा देना, मैं पेपर में सवाल आ गया वहां पे संडे लिखा गया और टिक मार दिया, हिसाब लगाना है, नन ऑफ दी लगाना है, और ब्रैकेट में लिख देना पढ़ने वाला दिन, समझ गए? अगर अब कोई बोल गया कैलेंडर चैप्टर में, मैं पहले कह रहा हूं संडे को संडे बोल गया हिसाब, ये तो इस बार माफ कर दिया मैंने, अगली बार किसी क्वेश्चन का आंसर संडे आ गया और आपने बोल दिया संडे, संडे तो बोलना नहीं है भाई, पढ़ने वाला दिन ध्यान रखना। आज से 60 दिनों बाद क्या बार होगा? पढ़ने वाला दिन। आपने हर बार किससे भाग देना है? 7 से, जो भी रिमाइंडर बच जाए उतने दिन आगे जाना है, उतने दिन आगे जाना है, किसे? आज से। जरूरी नहीं है हर बार मैं बोलूंगा आज बुधवार है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आज संडे है, आज पढ़ने वाला दिन है, आज मैं बोल सकता हूँ ध्यान रखना। और किसी ने मेरी तरफ उंगली उठाई भी सर आपने बोल दिया, मैं छुट्टी करूंगा, ध्यान रखना मेरे पास वीटो पावर है, समझ गए? हाँ मैं बोल सकता हूँ, आप बोल के दिखाना, मैं बीच में से एक मिनट, मुझे किसी ने बुला लिया कोई काम आ गया बहुत जरूरी, मैं बीच में से जा सकता हूँ एक मिनट के लिए बाद, पर आप एक मिनट के लिए निकल के दिखा दो अभी मुझे, मेरे सामने निकल के दिखाओ कोई जना बात, ऐसी गालियां निकालूंगा, ऐसा डांटूंगा, फिर थाव लगाओगे, ठीक है ना? तो मेरे पास क्या है? वीटो पावर, क्लियर है? जो खड़े, वीटो पावर कौन सी 5 कंट्रियों के पास है? रशिया, अमेरिका और तुम्हारी जीके, तुम स्वा पढ़ोगे जीके का टेस्ट पार करोगे, कितने लोगों को पता है कौन सी 5 कंट्री के पास वीटो पावर? हाथ खड़े करो, कितने लोगों को? नलायक पेपर, सब इंस्पेक्टर लगेंगे बेवकूफों को, वीटो पावर नहीं पता, वीटो पावर पता क्या होती है? हैं कितने लोगों को पता है क्या होती है वीटो पावर? क्या होती है ए, तुम लोगों को बच्चों जैसी बातें पता नहीं है, तुम स्वा के सब इंस्पेक्टर लगोगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज से, आज तारीख क्या है? 17 अगस्त
2000 वार क्या है? बुधवार। वार क्या है? आज से 365 दिन बाद क्या वार होगा? 365 दिन बोल दिए, 365 में सात का भाग दो फटाफट, 365 में सात का भाग दो, बोलना नहीं, बोलना नहीं है। कितने और डेज होते हैं? 365 दिन जंप करने का मतलब होता है एक दिन जंप करना, 365 दिन जंप करने का मतलब होता है, तो यहां पे मैं 365 दिन जंप कर रहा हूं, यहां पे मैं 365 दिन जंप कर रहा हूं, आप चुप करके एक दिन जंप कर दो, एक दिन जंप कर दो, क्या आएगा? क्या आएगा? मैं आपको अब पहुंच गया ईयर टू ईयर जंप पे, ईयर टू ईयर जंप पे। देखो 365 दिनों में एक्स्ट्रा दिन जिसको बोलते हैं ओड डेज कितने होते हैं? एक। 365 में सात का भाग दोगे एक बचेगा। अगर साल में 364 दिन होते ना, फिर एक साल बाद सेम बार आना था, हर बार सेम बार आना था, लेकिन 365 दिन होते, एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। जब आपको 365 दिन जंप करना है तो आपको एक दिन जंप करना है, और जब आपको 366 दिन जंप करना है, वेरी गुड, 366 में सात का भाग दोगे दो बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? जब भी 365 दिन जंप करना हो कितने दिन जंप करना है? और जब 366 दिन, दो दिन जंप करना है, कितने दिन जंप करना है? दो दिन जंप करना है। बट अब दिमाग लगाना है, इन दो तारीखों के बीच में 365 दिन है या 366 दिन है, चलो इन दोनों के बीच में 365 थे, कोई बोलेगा नहीं, 17 अगस्त 2024 कोई नहीं बोलेगा, बताओ इन दो तारीखों के बीच में कोई नहीं बोलेगा 365 दिन है या 366, बोलना नहीं है, 366 दिन है, वेरी गुड, कितने दिन है? 300, क्योंकि 2024 लीप ईयर है। अच्छा 366 दिन कब डिसाइड करोगे? अगर इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आ रही है तो, अगर इनके बीच में 29 फरवरी आ रही है तो, क्या इनके बीच में 29 फरवरी आएगी? बिल्कुल 2024 की 29 फरवरी इनके बीच में आएगी। 366 दिन है, दो दिन जंप कर दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जब आपको 365 दिन जंप करने हैं तो आपको एक दिन जंप करना है, क्योंकि 365 दिनों में ऑड डेज कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं? और 366 दिनों में कितने होते हैं? दो। चलो अब बताओ, अब बताओ 365 है, 366 है, इन दोनों के बीच में अब 365 दिन है, 65, तो एक दिन जंप कर दो, एक दिन जंप कर दो। अच्छा अब बताओ फिर 365 दिन ही है, तीन बार 365 दिन आएंगे, चौथे साल 366 आएंगे, है ना? चलो तो अब दिमाग लगाना है, मैं जिससे पूछूंगा उसको दिमाग लगाना है, कौन मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा? चलो खड़े, आपका जन्म जो है जनवरी में, कौन से मंथ में वैसे था ना, संभव है, चलो मान लो आपका जन्म, जन्मदिन जो होता है जनवरी में आता है, आपका जन्मदिन जो आया था 2019 में, पहले मुझे तो 2020 लीप ईयर है या नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, 2020 लीप ईयर है या नहीं है, है अभी तो है नहीं बोल रहे थे, चलो आपका जनवरी 2019 में, मैं क्या कह रहा हूं, जनवरी 2000 कोई नहीं बोलेगा, जनवरी 2019 में आपका जन्मदिन जो आया था वो सैटरडे को आया था, जनवरी 2019 में आपका जन्मदिन कौन से बार को आया था? सैटरडे को। बताओ जनवरी 2020 में, एक साल जंप कर दिया मैंने, आपका जन्मदिन कौन से बार को आएगा? हाँ जी मंडे, साथ में खड़े हो, सवाल तुम जवाब दोगे, जनवरी खड़े रहो, खड़े खड़े, जनवरी 2019 में आपका जन्मदिन, बोलना नहीं है, जनवरी 2019 में आपका जन्मदिन सैटरडे को आया था, शनिवार को, जनवरी 2020 में आपका जन्मदिन कौन से बार को आएगा? हाँ जी मंडे, हाँ जी क्यों है? 29 फरवरी अभी नहीं आई, मैंने कहा जनवरी 2019 सैटरडे, जनवरी 2020, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में 365 दिन है 366, बेवकूफों 365 ही है, अभी फरवरी 2022 आएगी, इनके बीच में जो फरवरी है वो 2019 वाली है, तो सजा तीनों को मिलेगी, सजा किसका आंसर सही था? नहीं, इसको बोलना चाहिए था पढ़ने वाला दिन,
यार मेरे को संडे फिर बोल गया तू, बैठो। मैंने जानबूझ के सैटरडे बनाया था, मैंने कहा सही जवाब दे दिया तो भी फंसे, और उन्होंने गलत दे दिया और ये तो भी फंस गया। मैंने जानबूझ के सैटरडे सोचा, मैंने कहा बुलवाऊं इनसे। चलो ध्यान रखना, 300 कितने लोगों को पता लग गया, 365 दिन हाथ खड़े करो, 365 दिन हाथ खड़े करो। कितने लोगों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। देखो भाई कोई भी तारीख लिख दो, 10 तारीख लिख दो, इन दोनों के बीच में जो फरवरी है वो 2019 वाली है 2020 वाली है, 19 वाली है भाई, 19 वाली 29 दिनों की थोड़ी होती है। 300 ऐसा नहीं है कि 2020 आ गया चक्के दो दिन जंप कर देंगे, ऐसा नहीं है 2020 आ गया दो दिन जंप करेंगे, पहले देखेंगे उनके बीच में 365 दिन है 366 है, समझ रहे हो? Yes. चलो तो 10 मिनट 5-10 मिनट को आपको पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे अपनी क्लासों में। डे टू स्टार्ट ही हुआ है, डे वन ही करने में, सिर्फ डे वन ही करने हैं। कल डे टू कराऊंगा, कैलेंडर चैप्टर पूरा ही करवाऊंगा, ध्यान रखना। जो आपका पहले चैप्टर चल रहा था वो एक बार थोड़ा सा पेंडिंग डाल दिया हमने, कैलेंडर चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे अलग अलग क्लासों में। कल तो रोहित सर आ ही जाएंगे, अलग अलग क्लासों में आपको कैलेंडर चैप्टर ही कराऊंगा मैं। पहले गर्ल्स निकलेंगी और गर्ल्स के सारे कंप्लीट जाने के बाद फिर बॉयज निकलेंगे।